वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले नीट 2021 के एक्सपेक्टेड डेट के बारे में, यानी कि जो नीट 2021 है वो कौन से मंथ में हो सकता है, इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी लेटेस्ट वीडियो को या अपडेट को मिस ना कर सके। तो जैसे कि आपको पता है 31 दिसंबर को पोखरियाल सर, जो कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर, उन्होंने लाइव आके अनाउंस की थी जो बोर्ड्स की डेट है, वो करी थी 4 मई से लेकर 10 जून तक। ये चलने वाली है बोर्ड्स के एग्जाम इस टाइम पे। अब जो नीट का एग्जाम है वो भी पोस्टपोन होगा, क्योंकि पहले जो 2020 या उससे पहले जो डेट होती थी, वो जो आपके एग्जाम होते थे बोर्ड के, वो हो जाते थे मार्च में। मार्च के होने के बाद आपको एक मंथ का टाइम मिलता था जिसमें आप अपनी नीट की प्रिपरेशन करते थे, जो आप सारे रिविजन करते थे, उसके बाद जो नीट का एग्जाम होता है। ठीक है, अब इस बार भी क्या होगा, जैसे कि आपके जो 10th जून का एग्जाम खत्म हुए, उसके बाद आपको कम से कम एक महीने का तो टाइम मिलेगा जिसमें आप अपनी रिवीजन करेंगे। काफी इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्रैश कोर्स कराते हैं, जिसमें जो आपकी रिवीजन होती है एक मंथ में वो कराई जाती है। ठीक है, एक मंथ में कराने के बाद ही जो आप नीट का एग्जाम है वो दे पाते हैं, तो आपको कम से कम एक महीने का टाइम तो चाहिए ही होता है। तो जो अब एक्सपेक्टेड डेट है वो लगाई जा रही है जुलाई के फर्स्ट वीक में, या 15 जुलाई से पहले पहले जो आपका नीट 2021 का एग्जाम है वो हो सकता है। अगर इन्होंने ज्यादा एक्सटेंड किया तो क्या होगा, उसकी वजह से जो काउंसलिंग है वो लेट होगी। काउंसलिंग लेट होने की वजह से क्या होगा, जो अकेडमिक जो आपका सेशन होता है वो लेट स्टार्ट होगा। तो जो मैंने आपको डेट बताई है नीट 2021 की, वो एक्सपेक्टेड डेट है। देखो, वो जून एंड में भी हो सकती है, जुलाई के मिड में भी हो सकती है, जुलाई के एंड में भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने ये मान के नहीं चलना है कि आपकी जुलाई में ही होगी, आपने जो अपनी तैयारी करनी है वो करनी है मई के हिसाब से। अगर आप जून के हिसाब से तैयारी करोगे, अपने जुलाई के हिसाब से तैयारी करोगे, जो आपका सिलेबस है वो कवर नहीं हो पाएगा। आप मई के हिसाब से तैयारी करें, अपने दिन में कम से कम अपने 8 से 12 घंटे की स्टडी करनी है, तभी आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे नीट में। तो तैयारी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा शेड्यूल के बारे में, आपको कितने घंटे पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो आपने टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, आपने कंसंट्रेट करना है अपनी स्टडीज पर। अगर आप वेट करोगे पोखरियाल सर का वो कब लाइव होंगे और नीट 2021 की एग्जैक्ट डेट बताएंगे, तो ऐसे आपका पूरा साल निकल जाएगा। ठीक है, वो लाइव आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अनाउंस करते हैं। अगर आप देखोगे बार बार की नीट 2021 की डेट आई है या नहीं आई उस वीडियो में, तो ऐसे आपका पूरा साल निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है आप अभी पढ़ाई करें अच्छे से, और कोई भी अगर अपडेट आता है तो मैं वीडियो डाल के आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें। थैंक यू। Back.